कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बड़ा मैच क्वार्टर फाइनल का तीसरा मैच, इसके बाद जो अगला मैच होगा मालिनी वर्सेस हरदा वंडर्स हरदा। क्वार्टर फाइनल का अंतिम मैच मालिनी वर्सेस हरदा वंडर्स हरदा, और यहाँ पे लोहार टीम भी काफी सशक्त और परिपक्व टीम। यदि आप यहाँ तक दौड़ लगाते हैं मतलब आपके अंदर दौड़ने की क्षमता है। बिलासपुर का ये रेडर 11 नंबर का खिलाड़ी, लंबे कद कट का, सुंदर सुंदर बच के रहना रे बाबा। ये केवल क्रॉस वाले मैदान से लेट भी जाएंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। क्या खिलाड़ी, सुंदर सुंदर। आउट ऑफ बाउंड नॉन डिफेंडर पॉइंट बिलासपुर 11 नंबर का जो खिलाड़ी है संस्कार मिश्रा, प्रो कबड्डी के ऑन ट्रायल तक वो पहुंचे थे। जोरदार ताली बिलासपुर से। वो लंबू संस्कार मिश्रा, संस्कार मिश्रा भाई एक बार अभिवादन स्वीकार कर ले, हाथ ऊपर कर देंगे, तालियां जोरदार बजे। गजब 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 बिलासपुर के शानदार टीम। नंबर 1 और 3 आउट। 9 नंबर का रेडर बिलासपुर टीम की जान है वो। बढ़िया बढ़िया लोहाड़ी लोहाड़ी चेक करना होगा शुरू से ही। यदि आप फासला ज्यादा बना लेंगे तो तकलीफें बढ़ेंगी और पॉइंट बनाती हुई लोहाड़ी। लोहाड़ी भी हमारी खुद की टीम, महासमुंद जिले की टीम। 9 नंबर का खतरनाक खिलाड़ी, सुंदर सुंदर। और ये तो कबड्डी का क्रिस गेल है, और ये 9 नंबर का खिलाड़ी भी ट्रायल में था। एक और विशेष सूचना, दुर्गेश नेताम जी बिलासपुर टीम के खिलाड़ी हैं जो नहीं नहीं गजब 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 का टेम्परामेंट, शानदार प्रयास। 4 नंबर के खिलाड़ी के लिए ताली एक बार हो जाए लो आर्टिक की टीम। सुंदर बेटा, नाम बड़ा होने से नहीं होता, काम बड़ा होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, दुर्गेश नेताम जी बिलासपुर टीम के खिलाड़ी हैं जो अभी प्रो कबड्डी में यूपी योद्धा से खेल रहे हैं। बिलासपुर टीम के खिलाड़ी दुर्गेश नेताम जी प्रो कबड्डी में यूपी योद्धा से खेल रहे हैं, ये गौरव है छत्तीसगढ़ का। ये वही खिलाड़ी 4 नंबर का छोटे कट काठे का, दुर्गा दुर्गा दीवान, दुर्गा दीवान यथा नाम तथा गुण। बढ़िया बढ़िया, फिर से आए भाई साहब। अरे यार ये तो लंबी रेस का घोड़ा है, ये लंबी रेस का घोड़ा है, पीछे से नहीं रुकेगा। शानदार शानदार मैच चलता हुआ, और लाखड़ी वालों को भी सलाम, बड़ी टीम को भी आप चुनौती दे रहे हैं। इस बार फंसे। ये बीरेन भाई मैं आज बार बार बोल रहा हूँ, ये T20 के क्रिस गेल की तरह कबड्डी में एक क्रिस गेल है, इनको रोकना बहुत मुश्किल। अकेले तहलका मचा दे रहे हैं लामिडी के मैदान पर, लोहारडी के मैदान पर। और हमारा सौभाग्य इस बात के लिए भी है कि हमारे जायसवाल सर जी हिंदुस्तान के अंदर जब पहला प्रो कबड्डी हुआ उसके एम्पायर रहे हैं। जोरदार ताली हमारे जायसवाल सर जी के लिए। मिश्रा फिर से मिश्रा, पॉइंट तो नहीं मिला लेकिन खौफ बना के चले गए। ये टीम खौफ पैदा करती है रे बाबा। बढ़िया
बढ़िया। जब तक आप डराओगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। इसी कारण एक विज्ञापन का स्लोगन है, डर के आगे जीत है। ये फिर से आ गए, फिर से आ गए चौका छक्का बरसाने वाले। इनको पीछे से नहीं रोका जा सकता। आप ये गांठ बांध लीजिए। आह गजब, ये तो बिजली सी चमक। ये केवल गर्जना नहीं करता, ये वार करने पे माहिर है बिजली सी। फिर से शानदार दुर्गा दुर्गा दीवान। अच्छा प्लेयर, लेकिन सामने वाली टीम भी गजब गजब। सुंदर सुंदर खेल खेल अपने अति उत्तम उमदा क्वालिटी का यहाँ पे खेल। फिर से मिश्रा डू आर डाई गजब दुआ। ये अजीब किस्मा रहे, अरे मैंने शुरू में ही कह दिया था इनको रोकना बहुत मुश्किल है। नंबर 7, 2 और 10 इनको रोकना है तो आपको अंदर बुलाना पड़ेगा। फिर से दुर्गा दीवार आपका हुनर जैसा है। आप अकेले रोकने का प्रयास करेंगे, आप पेशेवर लोग हैं। विदाउट चैन सिस्टम अच्छे खिलाड़ियों को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हाँ फिर से बिजली सी चमक। नहीं 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 नहीं, मैंने शुरू में ही कहा था ऐसा नहीं चलेगा। ये सूर्य कुमार यादव क्रिस गेल साहब इसके अंदर है। फिर से दुर्गा दीवान नंबर लेकर फिर संस्कार मिश्रा अंदर घुसा के इनका शिकार कीजिए, वरना ये कुछ नहीं आराम भी करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। लोहार डी को चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कबड्डी कंप्लीट टीम वर्क है। एक अकेले व्यक्ति से यदि खिलाड़ी रुकता तो सिंगल सिंगल कबड्डी का मैच होता। ये एक टीम वर्क है जिसकी टीम सबसे दमदार अचूक वार करती हो वही टीम जीत का स्वाद चखती है। फिर से चलिए बच्चों की जान लेने फिर से आ गए हैं। देखे देखे ना दुर्गा दीवार दुर्गा भी जिगर रखता है। इतनी बड़ी टीम को यदि उसके मैदान पे हाहाकार मचाने का सामर्थ्य रख रहा है मतलब इसके अंदर भी आग है। फंसे लेकिन लोहार डी केवल ध्यान दे। 11 और 9, 20 होता है। ये 20 के ऊपर यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो आपने वापसी कर ली। संस्कार मिश्रा फिर से 11 नंबर का खिलाड़ी अंदर बुलाइए, वेलकम कीजिए, अंदर तक आमंत्रित कीजिए उनको। मेहमान नवाजी आप करना सीखिए। Head out!
बोनस पॉइंट बिलासपुर बिलासपुर इसको बोलते हैं मिलन, ये गले मिल रहा है कबड्डी के मैदान पे, ये भी जरूरी है। तालियां एक बार, संधि मिलन, ये फिर से लंबू, ये तो कबड्डी के मैदान पे। चलिए चलिए चलिए, द डिसीजन ऑफ एम्पायर इज फाइनल। और एक दो आदमी के क्या हम परिचय बताएं, ये पूरे टीम बिलासपुर वाले नेशनल प्लेयर है। जोरदार ताली, हर खिलाड़ी कभी न कभी नेशनल तक पहुंचा है। फिर से संस्कार मिश्रा, ये तो बिजली है रे बाबू। मिश्रा जी थोड़ा दया कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को डराइए नहीं। बढ़िया बढ़िया, मैंने शुरू से ही कहा है लोहार टीम को 11 और 9। अभी फाइनल मैच के बीच में हमारे बीच में आज के चीफ गेस्ट होंगे बड़े वीएसडी द्वारकाधीश यादव जी, विधायक एवं संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, और अध्यक्षता करेंगे शिकार कर लिए। इसको बसाओ, दुर्गाशी चाटी बन के हमला कर दीजिए, इसको बसाओ। अध्यक्षता करेंगे बड़े वीएसडी सतीश जग्गी जी, अध्यक्ष संपूर्ण विकास पार्टी करेगा। ये जिनके अंदर दारा सिंह की आत्मा बसी हो उनको रोकना मुश्किल है भैया, आगे से ना पीछे से, इस मुकाम दार है। फिर से नहीं नहीं, ये खूंखार सिरों का झुंड है, यहां से बचना मुश्किल। अध्यक्षता करेंगे बड़े भैया सतीश जग्गी जी, अध्यक्ष सिरपुर विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन, संस्कार मिश्रा। फिर से खौफ पैदा करते हुए और शिकार करके वापस। साथी होंगी श्रीमती स्मिता चंद्राकर जी, जनपद अध्यक्ष महोदया, श्रीमती हीरा सेतराम बघेल जी, अध्यक्षा नगर पालिका बागबहरा, बड़े भैया गजेंद्र चंद्राकर जी मंडी अध्यक्ष, एवं बड़े भैया श्री अतुल बग्गा जी, आज के आप सभी हमारे अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हेकलाल साहू जी, बड़े भैया नीरज गजेंद्र जी, मान सिंह ठाकुर जी, दुबेलाल साहू जी, भूपेन्द्र ठाकुर जी, जसराज बारा चंद्राकर जी, श्री गिरीश पटेल जी, श्री किशोर गुप्ता जी, श्री अभिषेक बेघू चंद्राकर जी, पोखराज भैया जी, श्री दीपक यादव जी, श्री नवनीत सरोजा जी, श्री मुकेश चंद्राकर जी, श्री पूनम चंद्राकर जी, दीपक जैन जी, यहाँ पे थोड़ा सा शिकार सही किए थे, लेकिन साथ ही साथ होंगे श्री अभिषेक अग्रवाल जी, दीपक जैन जी, मेघराज साहू जी, श्री थनवार कुलदीप जी एवं धनंजय मिश्रा जी, साथ ही साथ और हमारे कला प्रेमी खेल प्रेमी
अगला मैच हरदा वंडर्स हरदा वर्सेस बाली डी, तैयार रहे बिल्कुल। सांस्कृतिक कार्यक्रम बीच में नहीं होगा। ये होता है, यदि इसका वीडियो क्लिपिंग ही बेचा जाए तो करोड़ों में बिकेगा। जोरदार ताली। लास्ट 5 मिनट टू गो, अंतिम 5 मिनट से वो डायरेक्ट। ये बिलासपुर के 7 रत्नों में से एक 9 रत्न है, 9 नंबर का जर्सी। और नहीं 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 बचोगे, नहीं बचोगे। चलिए फिर भी आपके साहस को सलाम, फिर भी आपके साहस को सलाम। इनाम देने वालों में महिला वर्ग में हमारे पुरुष वर्ग का मैं एक बार बता चुका हूँ। महिला वर्ग में बड़े भैया अतुल बग्गा, विकास बग्गा एवं संदीप बग्गा भाई साहब जी की ओर से बाबू जी स्वर्गीय श्री हरबंस लाल जी बग्गा की स्मृति में पहला इनाम महिला वर्ग के लिए 51,000, द्वितीय पुरस्कार एवं शुल्क 35,000 श्रीमती किरण देवी ठाकुर जी धर्म पत्नी स्वर्गीय मनु सिंह ठाकुर जी की स्मृति में ठाकुर परिवार बागबारा की ओर से, तृतीय पुरस्कार 21,000 स्वर्गीय श्रीमती सुरजा बाई जी की स्मृति में श्री संतोष चौहान एवं भाई बड़े भैया धर्मराज चौहान जी की ओर से, और चतुर्थ पुरस्कार श्री पुरुषोत्तम राज चंद्राकर जी की स्मृति में बड़े भैया मंडी अध्यक्ष तेजेंद्र चंद्राकर जी की ओर से, साथ ही साथ नीरज भैया जी की ओर से दोनों ही विजेता टीम को ट्रैक सूट एक दिया जाएगा, एक किट दिया जाएगा प्रत्येक खिलाड़ी को। इस तरह से इनाम की व्यवस्था, शानदार समापन का यह दिवस, चतुर्थ सांध्य मेला, सभी दर्शकों को, माताओं बहनों को, युवा खेल प्रेमियों को, आदरणीय स्वजनों को, दर्शकों को, आयोजक समिति के मेंबर्स, ऑफिशियल टीम एवं सभी खिलाड़ियों को, बेटे और बेटियों को, युवा साथियों को हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन। आपके उपस्थिति से यह गौरवशाली क्षण बागबाहरा नगर देख पा रहा है, साथ ही हमारी आवाज जहां तक जा रही होगी, सभी माताएं बहनें युवा साथी, आज के इस समापन मेला पर भव्य कबड्डी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल के मेला पर अवश्य समय निकाल कर पहुंचे। इस तरह के आयोजन का, दर्शन का लाभार्थी बने आप। अच्छा अच्छा, और जायसवाल भैया जी का कहना है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपना एक नया गरिमा लिए हुए आयोजन है, इस तरह का भव्य आयोजन कहीं देखने को नहीं मिलता। जोरदार ताली दर्शकों से इस विशाल आयोजन के लिए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। फिर से संस्कार भाई साहब आराम कर रहे हैं। कहते हैं नाग को जब डसना होता है तो बहुत समय तक लंबी सांस लेता है, फिर से शायद वो शिकार करने के मूड में अपनी बारी का इंतजार करते हुए। और ये चौथे नंबर के खिलाड़ी, इनको भी पता है 10 नंबर। बढ़िया, पूरी टीम माहिर और प्रतिभावान खिलाड़ियों से सुसज्जित। तभी मेरे जीवन में, मैं पहली बार बिलासपुर का खेल देख रहा हूं, लेकिन सुना था ये टीम है कुछ खास कुछ विशेष, यथा नाम तथा गुण। देखते हैं फाइनल तक का आपका सफर इस बार जारी रखते हैं कि नहीं, लेकिन जो साहसी होते हैं, हिम्मत मर्दा मर्दा मदद खुदा ये कहा गया है, भगवान उसी के साथ होते हैं। बहुत सुंदर, और मैं तारीफ करना चाहूंगा लामीडी लोहारडी के हमारे युवा साथियों का, आपके जज्बे को भी सलाम। आप बेहतरीन टीम है, नो डाउट आप बेहतरीन टीम है। लास्ट मिनट कंटिन्यू। चलिए चलिए, ये चलो चलो, अभी तोहरे का ठीक खिलाड़ी के है, बड़े बड़े मंदी के हैं। हाँ, परिणाम तो आएगा, परिणाम तो निश्चित आएगा, या लेके आएगा या अपने आप को दे के जाएगा। गजब गजब, ले तो अक्की बड़बड़ उत्तीस का मुकाबला बराबर के ही से। अरे
चलिए चलिए, बहुत शानदार लोहारडी सैल्यूट, बहुत सुंदर लोहारडी को मेरा सैल्यूट। ये अलग बात है कि अंक अलग बन रहे हैं स्कोर बोर्ड पे, और इस तरीके से मैच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।